अस्सलाम वालेकुम इटलास, कैसे हैं आप लोग बेटा? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। हमारा साइंस का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 21। वेनसडे डे है 2 सितंबर। राइट अ नोट ऑन प्रीफिक्सेस पे नोट लिखें। द मेन एडवांटेज ऑफ एस ए यूनिट इज दैट देयर मल्टीपल एंड सम मल्टीपल कैन बी कन्वीनियंटली एक्सप्रेस ड्यूरिंग प्रीफिक्सेस। हमारे पास ऐसे यूनिट इस्तेमाल करने का फ़ायदा यह है कि उनके जो मल्टीपल और सब मल्टीपल्स हैं उनको हमारे पास प्रीफिक्स मींस पहले आने वाली चीज़ होती है, तो उनको प्रीफिक्सेस की सूरत में भी लिखा जा सकता है। प्रीफिक्सेस आर बेस्ड ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द यूनिट बाय पावर्स ऑफ 10 की पावर से उन्हें डिवाइड किया जाता है या मल्टीप्लाई किया जाता है। द वर्ड्स आर लेटर एडेड बिफोर ऐसे यूनिट, ऐसे यूनिट से पहले मिली, किलो, सेंटी हम लगा देते हैं, उन्हें प्रीफिक्सेस कहा जाता है। प्रीफिक्सेस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया के पहले आने वाली चीज़, एग्जांपल उसकी देखें कुछ। पहले एग्जांपल है मिली मींस 1000 पार्ट, फॉर एग्जांपल 1000 पार्ट, फॉर एग्जांपल मिलीमीटर इज 1000 पार्ट ऑफ मीटर। मिली का मतलब है कि हमारे पास हज़ारवां हिस्सा, यानी कि एक मिलीमीटर जो है वो हमारे पास एक मीटर का हज़ारवां हिस्सा होता है, यानी कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसी तरह हमारे पास सेंटी मीन्स 100 पार्ट, मतलब 100वां हिस्सा है। फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर इज़ द 100 पार्ट्स ऑफ अ मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100, इट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऊपर वाले में बेटा 1000 आना है, 1000 मिलीमीटर। ये बुक से इस यूनिट को चेक कर लीजिएगा। इसके बाद है किलो मीन्स 1000 टाइम्स। फॉर एग्जांपल किलो का मतलब है हज़ार मतबा, किलोमीटर इज 1000 टाइम्स ऑफ अ मीटर। किलोमीटर जो है वो हमारे पास एक मीटर का 1000 गुना है, तो यानी कि 1 किलोमीटर में हमारे पास कितने मीटर्स होंगे, 1000 मीटर्स। दस इंटीग्रेटिंग ऑफ थिन वायर, दस डायमीटर ऑफ अ थिन वायर कैन बी रिटन इन स्मॉलर यूनिट। हमारे पास जो एक पतली सी तार है उसका डायमीटर लिखा जा सकता है छोटे यूनिट में, सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर में, इंस्टेड ऑफ मीटर, बजाय इसके कि उसे मीटर में लिखें। सिमिलरली द लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ में बी एक्सप्रेस बेटर इन बिगर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो दो सिटीज़ के दरमियान जो फासला है उसे बड़े यूनिट में डिस्क्राइब करना ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे कि किलोमीटर। एग्जाम्पल देखते हैं, कन्वर्ट 5 मीटर इंटू मिलीमीटर। मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, तो 1 मीटर में हमारे पास 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 × 1000 5000। तो हमारे पास ये जो 1000 है बेटा, इसको हम 10³ में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये 5 × 10³ मिलीमीटर आ जाएगा। 50 मीटर है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। मीटर से सेंटीमीटर यानी कि बड़े से छोटी वैल्यू में जा रही है, तो मल्टीप्लिकेशन होगी 50 × 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5000। ये भी हमारे पास 5 × 10³ सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद है 20,000 को केजी में, ये ग्राम थे, ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। छोटे से जब बड़े की तरफ जाते हैं तो बेटा डिवीजन का अमल होता है, तो 20,000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 20 kg। ये आपका आज का लेक्चर है, ये एक ही क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से राइट करना और याद करना। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।